हमारे आर्मी चीफ हम जनरल हमीद को क्यों नहीं बनाया, वो काबिल तरीन था। फैज हमीद से क्या तकलीफ है, इसलिए कि वो गिरे वाला नहीं है, वही इमरान खान से तकलीफ है। इन तीन बंदों से उनको तकलीफ है, बस ये उनको नहीं चाहिए, उनको पालतू कुत्ते चाहिए जिनको बेल्जियम में फार्म हाउस दे दो जमीन घर समेत। और वो पहला जो परवेज किया कम वक्त ऑस्ट्रेलिया में बैठा सारा खा के, हम पागल नहीं है, हमें अवेयरनेस है, हम पढ़े लिखे बिजनेस मैन थे पाकिस्तान के पहले 10-15 खानदानों में, हमें सारा पता है। कोई मेरा निकाले मेरे बच्चों का, मेरे मिए का, उन्होंने एक डैडी पैसा कहीं लिया, हमें किसी तमगा जरूरत किसी पे जमीन मिलती वो भी नहीं ली, हमें नहीं चाहिए। जो रूखी सूखी हमें कितनी की चाहिए, दो फुट चौड़ी 6 फुट लंबी का जगह है जो हमारे नाम इंतकाल होगी जब हम मरेंगे। अभी हमारी जिंदगी में जो चीजें इंतकाल हुई हमारे ना, ये इधर ही रह जानी, अल्लाह करे इनके लूटे हुए खजाने है ना कभी काम ना आए, ये करून के खाने बने और इनकी बीमारियों में, इनकी आफतों मुसीबतों में लगे, इनके घरों में इनकी नस्लों में आग लग जाए, अल्लाह करे इनके खानदान का इतना सा बच्चा भी ना चे। मैं ये दुआ करती मैं अति फकूती अदाबिरुल कौमिला दीना जानू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर 21 दफा रोज पढ़ो बंदा मर जाए, सारी कौम को मैंने बताया पढ़ो ताकि ये मर जाए, बच जाए वो जो पाकिस्तान वाले हैं, पाकिस्तान को रखने वाले हैं, मानने वाले हैं, ईमानदार हैं। अल्लाह हमें डर है, हमें डर है कि ये लोग शरारत में कहीं हद से ज्यादा बढ़ ना जाए और कहीं कोई हमारे वतन का हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान न कर दे। ये सूरत ताहा में इमरान खान के लिए भी पढ़नी है, अल्लाह उसको कामयाब है, उसको हमारी जिंदगी भी दे, हम जी करोड़ों जाने उसके लिए कुर्बान है, ईमानदार। उसका एक घर है वो शौकत खानम के नाम है, कह रहे